नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के मद्देनजर और बिलखसूस पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और केरल में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के मद्देनजर आज रियासती हुकूमत ने यह फैसला किया कि कर्नाटक के 8 सरहदी अजला में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन रखा जाएगा। ये 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन यानी हफ्ता इतवार 2 दिन रियासत के 8 सरहदी अजला में लॉकडाउन रहेगा। 8 अजला में बीजापुर, चामराजनगर, बीदर, गुलबर्गा, कोडगु, बेलगावी, मैसूर और दक्षिण कन्नड़ शामिल हैं। इन 8 अजला में आज रात से ही 56 घंटों का जनता कर्फ्यू रहेगा, यानी 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हफ्ता और इतवार ये 2 दिन इन 8 अजला में तमाम दुकानें बंद रहेंगी। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अशियाए जरूरिया की दुकानों को कुछ वक्फे के लिए खुली रखने की इजाज़त दी गई है। अशियाए जरूरिया यानी किराना सामान, तरकारी, फल, फूल वगैरह वगैरह, इन अशिया की दुकानों को कुछ वक्फे के लिए खुली रखने की इजाज़त दी गई है। बकिया तमाम कारोबार ये 2 दिनों में बंद रहेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बस का सफ़र और रेल का सफ़र शुरू रहेगा, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा एक और इत्तला के मुताबिक पूरी रियासत में आज से नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से कर दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी रियासत के तकरीबन तमाम अजला में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हमारे जिले रायचूर में वीकेंड लॉकडाउन तो नहीं रहेगा, लेकिन कर्फ्यू के वक्त में कटौती की गई है। अब रायचूर में भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।